अब मैं ही इनकी इस हालत को सुधारूंगी। कहीं इस बार भी उस लड़की ने कोई चाल तो नहीं चल दी? क्यों बचाई हमारी जान? क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई। वो लड़की मेरे होने वाले पति के साथ पत्नी धर्म निभा रही है। उस लड़की को मारने की जिम्मेदारी तुम्हें दी थी ना? शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। कुछ देर और मंदाकिनी, फिर हमारे जीवन का सबसे बड़ा संकट हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। अब देखना कि कैसे वो झुलस कर खाक होती है। ये फिर बच गई? ये कैसी आफत है जो टलने का नाम ही नहीं ले रही? माँ, ये कब तक ऐसे मकड़ी बनकर रहेगा? जब तक चंद्रलेखा जाएगी। ये डाकिनी भी ना 100 अच्छे काम कर लो उपहार नहीं देगी, तो बस एक गलती कर दो तो दंड जरूर देगी। 100 निर्दयी मरे होंगे तब जाके ये डाकिनी पैदा हुई होगी। 100 नहीं, 1000। और सुन, तू ज्यादा बोल मत, कहीं गलती से भी वो डाकिनी ने सुन लिया ना तो यहाँ और एक मकड़ी पड़ी होगी। हमारे बेटे की ऐसी हालत तुम्हारी वजह से हुई है, जानबूझकर किया है तुमने ये सब। सच्ची तो है, जो भी उस आड़ियल घुड़सवार की हालत है उसके जिम्मेदार मैं ही तो हूँ। अगर आज उसने मेरी जान नहीं बचाई होती तो वो बिल्कुल ठीक होता। हे अम्बे माँ, अब तो जानती है मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि लोगों का दर्द कम हो, पर आज मेरी वजह से किसी को बहुत दर्द हो रहा है। आप उसकी रक्षा करना माँ, रक्षा करना। रानी माँ, आपने जो हमसे मंगवाया था हम वो ले आए। इससे पहले कि वो लड़की उपचार के बहाने अधिराज के करीब आने की कोशिश करे, मैं अपनी शक्ति से इसे पूरी तरह से ठीक कर दूंगी। ये तो तय है कि वो पंडित इन दोनों को हमारा रहस्य बताने से पहले ही मर गया, वरना आज ये लड़की प्रश्नों का पहाड़ खड़ा कर देती। आप सही कह रही हैं रानी माँ, पर हमारे साथ जो कुछ भी बुरा हो रहा है वो सब उस लड़की की वजह से। इसलिए इस वजह को हमेशा के लिए खत्म करना जरूरी है, पर अभी नहीं, इस वक्त अधिराज को ठीक करना ज्यादा जरूरी है। क्या हो रहा है? मेरे मंत्रों का असर क्यों नहीं हो रहा इस पर? हे अम्बे माँ, उसने मेरी जान बचाई है, उसे जल्दी से ठीक कर देना माँ। नानी कहती है कि सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं, और अगर हमें कोई अपना धर्म करने से रोके तो हमें रुकना नहीं चाहिए। फिर मैं क्यों रुक गई रानी साहिब के रुकने से? अपनी जान बचाने वाले की जान बचाना तो कर्तव्य है मेरा। जो
जो कष्ट में है उसकी सेवा करना धर्म है मेरा। अंबे माँ की भक्त हूं मैं, मुझे अपना कर्तव्य और धर्म निभाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। मेरी काली शक्ति का कोई प्रभाव क्यों नहीं हो रहा इस पर? मेरे मंत्रों से भी इसके घाव ठीक नहीं हो रहे। मेरा कोई भी मंत्र काम नहीं कर रहा। कहीं इस बार भी उस लड़की ने कोई चाल तो नहीं चल दी? आपने कहा था ना मैं इनकी इस हालत की जिम्मेदार हूं, तो ठीक है, अब मैं ही इनकी इस हालत को सुधारूंगी। क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है। और आपने यही कहा था ना कि एक पत्नी होकर मैंने अपने पति और इस रिश्ते को आग में झोंक दिया, तो अब मैं अपना पत्नी धर्म निभाऊंगी। और जब तक ये पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं यहीं रहूंगी। देखिए रानी साहब, मैं जानती हूँ आप अपने बेटे को अपनी जान से भी ज्यादा चाहती हैं। अब भी यही चाहती है ना कि आपका बेटा जल्द से जल्द ठीक हो जाए। इसलिए मुझ पर एक बार भरोसा कीजिए और मुझे इनका उपचार और देखभाल करने दीजिए। देखिएगा मैंने बिल्कुल ठीक कर दूंगी। आप लोग बस इन्हें आराम करने दीजिए और मुझे अपना धर्म निभाने दीजिए। रानी माँ, आप इसकी हिम्मत देख रही हैं? ये घुमा फिरा के हमें यहाँ से जाने के लिए कह रही है। ठीक है, मान लेते हैं तुम्हारी बात, मगर सिर्फ हमारे बेटे के लिए। तो हमेशा मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहते थे, फिर आज मेरी जान क्यों बचाई? तुम तो मुझसे नफरत करते हो ना, फिर क्यों मेरी मदद की? और मैं भी इस महल से भागना चाहती थी, मैं क्यों रुक गई? और वो आग, अचानक इतनी भयानक आग कैसे लग गई थी? और उतने चमगादड़ कहां से आए? हे अंबे मां, न जाने कितने राज है इस महल में, कितने प्रश्न हैं। कहते हैं जहां प्रश्न है वहां उत्तर भी है, इसलिए मैं इन प्रश्नों के उत्तर जरूर ढूंढूंगी।
हो ना? तुम भाग सकते थे ना, तो फिर भागे क्यों? कनक, माँ वो लड़की मेरे होने वाले पति के साथ पत्नी धर्म निभा रही है और मैं यहाँ बिना आग के जल रही हूँ। और आपने देखा उस डाकिनी को, हम चुड़ैलों के सामने बड़ी शेर बनती है और वहां उस लड़की के सामने भीगी बिल्ली बन गई। चुपचाप उसकी बात मान ली। कनक तू चिंता मत कर, आज कुछ भी हो जाए मैं उस पागल डाकिनी के साथ बात करके रहूंगी। कुछ पूछा तुमसे, भागे क्यों नहीं? तुम तो इस महल से भागना चाहती थी ना, और तुम्हें मौका भी मिला था यहां से भागने का, तो भागे क्यों नहीं? जवाब दो हमें, क्यों बचाई हमारी जान? क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई और मैं किसी का उधार नहीं रखती। तुमने मुझे जलने से बचाया, फिर मैं कैसे तुम्हें आग के लपटों में छोड़कर भाग जाती? तुम ये काढ़ा पी लो, तुम इससे बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मैं अंबे माँ से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो तुम्हें जल्द से जल्द ठीक कर दे, ताकि तुम्हारे ठीक होते ही मैं इस महल से भागकर अपनी नानी के पास जाऊँ। अच्छा तो ये औषधि नहीं तुम्हारी चुनौती है, तो ठीक है हम पी लेते हैं तुम्हारी इस औषधि को और स्वीकार करते हैं तुम्हारी चुनौती को और देखते हैं कि तुम इस महल से बाहर कैसे जाती हो। अब और कोई बहस नहीं, तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम आराम से सो जाओ, मैं अभी आती हूं। पंडित जी बार बार उस कमरे में क्या इशारा कर रहे थे, आखिर क्या था वहां? इससे पहले कोई और उस कमरे तक पहुंचे मैं जाकर पता करने की कोशिश करती हूँ कि वहाँ क्या था और पंडित जी क्या कहना चाह रहे थे, शायद कोई संकेत मिल जाए। ये सैनिक ही द्वार पर खड़े, इन्हें मुझे यहाँ से भगाना पड़ेगा वरना ये मुझे अंदर नहीं जाने देंगे। आप लोगों को रानी साहब बुला रही है और आप यही खड़े हैं, जाइए जल्दी। माफ कर दीजिए पंडित जी, मैं आपको बचा नहीं पाई, आपकी जान मेरी वजह से चली गई। पर मैं आपका ये बलिदान व्यर्थ ही जाने दूंगी, मैं उस रहस्य तक पहुंच कर दिखाऊंगी जो आप मुझे बताना चाहते थे। पंडित जी इस तरफ बार बार क्या इशारा कर रहे थे?
बंद कर दो। नहीं, खुला रहने दो। पर क्यों? अरे वो पागल डाकिनी अगर हमें मारेगी तो भागने में आसानी नहीं होगी। खैर अंजाम जो भी हो, आज तो मैं इस डाकिनी से पूछ के रहूंगी कि उसने तेरे बारे में क्या सोचा है। वो चंद्रलेखा, हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। वो मुझे कनक के भविष्य को लेकर बहुत चिंता हो रही है। क्या हुआ इसके भविष्य को? वो देखो चंद्रलेखा, एक पराई लड़की जो इसके होने वाले पति के साथ है, इससे बुरा और क्या हो सकता है बताओ। अब तुम्हें ही उस लड़की के इस नाटक को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। तुमने देखा ना वो तुमसे कैसे सवाल जवाब करती रहती है। चंद्रलेखा तुम डाकिनियों की रानी हो, इस महल की रानी हो, सबसे शक्तिशाली हो, और वो एक मामूली सी दासी, फिर भी वो तुमसे नहीं डरती। तुम्हें उसे दंड देने की जगह अपने बेटे के साथ उसे अकेले छोड़ दिया, उसे अपने हाथों से मार क्यों नहीं देती तुम? सही कह रही हो तुम, मारना तो जरूरी है उसे। फिर बताओ तुम्हें कैसे मारे उसे? क्या लिखा? कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला, शायद वहां मिल जाए जहां से पंडित जी आए थे, जहां उन्हें किसी ने जख्मी किया था। और वो कौन सी जगह हो सकती है? कहीं ये वही जगह तो नहीं जहाँ मैंने चीखने की आवाज सुनी थी? हो सकता है वो पंडित जी की चीख हो। ये हंसने की आवाज, लगता है कोई है यहाँ। अब क्या बताओ चंद्रलेखा, उस लड़की को बुरे से बुरे मौत दो। बहुत सताया ना उसने तुम्हें, उससे हर एक दर्द का हिसाब लो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि वो अधिराज की पत्नी रानी सुनैना बनकर इस महल में राज करे और तुम दासी बनकर उसके आगे पीछे घूमती रहो जैसे वो घूमती है तुम्हारे आगे पीछे। हाँ सुझाव देने में तुम्हारा कोई जवाब नहीं मंदाकिनी, शाबाशी देने का मन कर रहा है तुम्हें। पर आज तक क्या तुमने कोई ऐसा काम किया है जिसके लिए तुम्हें शाबाशी दी जाए? उस लड़की को मारने की जिम्मेदारी तुम्हें दी थी ना, क्या हुआ? मरी वो? मरी नहीं ना। पर मैंने कोशिश की थी ना चंद्रलेखा। कोशिश? तुम्हें क्या लगता है मंदाकिनी, तुम्हारी इन नाकामयाब कोशिशों के लिए मैं तुम्हें इनाम दूं? कान खोलकर सुन लो मंदाकिनी, इन नाकामयाबियों के लिए चंद्रलेखा सिर्फ दंड देती है जैसे स्वराज को मिला।
उस स्वराज ने पूरी तैयारी की थी उस लड़की को मारने के लिए, लेकिन नहीं मार पाया। बच गई वो लड़की और फंस गया धीराज। और आज मैं इतनी मजबूर हूँ कि उस आफत को मार भी नहीं सकती। पूछो क्यों? क्यों जनरल लेखा? क्योंकि जब अधिराज को होश आएगा तो वो उस लड़की के बारे में पूछेगा। आखिर उसी ने उस आफत की जान बचाई है, तो उसका पूरा ध्यान उसी पर होगा ना। वो नहीं मिली तो वो उसे इस पूरे महल में ढूंढेगा, और फिर हो सकता है उसे हमारा कोई राज पता चल जाए। इसीलिए ना चाहते हुए भी मैंने अपना अपमान सह लिया और उस आफत को जिंदा छोड़ दिया। तो जब तक अधिराज को होश नहीं आता, मैं उस आफत को नहीं मार सकती। समझी मेरी बेवकूफ सलाहकार? लेकिन हाँ, तब तक मैं तेरी जबान पर लगाम जरूर लगा सकती हूँ। बहुत जबान चलने लगी है ना तुम्हारी, तभी तो तुम आजकल मुझे सुझाव देने लगी हो। और रही बात उस आफत की, उसे अब डाकिनी के कहर से कोई भी नहीं बचा सकता। डाकिनी है इस महल में। मुझे तुमसे कुछ कहना है तुम्हारी माँ के बारे में। माँ के बारे में? बोलो ना, क्या बोल रही थी तुम हमारी माँ के बारे में? तुम्हारी माँ डाकिनी है।